आठवीं शवाल यौम निदामे जन्नतुल वकी है कि जिस रोज़ पैगंबर इस्लाम सरकार खत्मी मर्तबत की इकलौती बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनार को आले सऊद की हुकूमत ने मुनदिम किया और उस वक्त से आज तक एहतजाज का सिलसिला इस बात की दलील है कि वाकई जिसके दिल में भी दर्द इंसानी है वो इस रोज़ यौम निदामे जन्नतुल वकी के मौके पर आके आले सऊद के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराते हैं, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम जो रहमतुल आलमीन बन के आए थे उनकी इकलौती बेटी के मदार को मुनदिम करके आले सऊद ने अपना रिश्ता ना सिर्फ इस्लाम से तोड़ा बल्कि उसने इस बात की भी दलील दी कि इनका रिश्ता इंसानियत से भी नहीं है, इसलिए कि कब्र या किसी भी निशानी को बाकी रखना इंसानियत की सबसे बड़ी दलील है। लिहाजा आले सऊद ने मदारात मुकद्दसा को मुनदिम करके इस्लाम के साथ साथ रिश्ते इंसानियत को भी मुनक़ता कर दिया और हमारा एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम शिया हैं बल्कि इस वजह से भी है कि पूरी दुनिया में इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि किसी के मज़ारात या निशानियों को बाकी रखा जाए, लिहाजा जनाब सैदा की कब्र मुतहर के एहतजाज में हम शरीक होकर मुतालबा करते हैं इस बात का कि जल्द अज जल्द मज़ारात मुकदसा को तामीर किया जाए।